हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राजीव शर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी में अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या अंतर होता है। मैं लिखता हूँ अनडिफाइंड वर्सेस इन्फिनिटी। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया था किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है अनडिफाइंड, न कि इन्फिनिटी, ये हमें नहीं मिलता है। तो पिछले वीडियो में जब मैं अनडिफाइंड वर्सेस इन्फिनिटी आपको बता रहा था तो मैंने प्रॉमिस किया था इसका एक नया मेथड भी मैं आपको दूंगा। और मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि वो मेथड पिछले मेथड से भी इजी है। हालांकि पिछला मेथड भी एलकेजी क्लास वाला मेथड था, ये मेथड शायद प्ले ग्रुप वाला मेथड है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। x को हम कोई भी रैंडमली एक नंबर चूज करते हैं, मान लीजिए हम चूज करते हैं 100, मान लीजिए हमने चूज किया तो 100 अपॉन 0 इज इक्वल टू मॉड, ये हमें निकालना है। सो फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि 100 अपॉन 0 इज इक्वल टू a, अभी हमें आंसर नहीं पता है तो हम मान लेते हैं 100 अपॉन 0 इज इक्वल टू a, हमें निकालनी है इस a की वैल्यू। 100 अपॉन 0 इज इक्वल टू a, हमें 100 अपॉन 0 ऑब्टेन करना था तो हमें इस a की वैल्यू ऑब्टेन करनी है सिंपली। मान लीजिए इक्वेशन 1। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, ये 0 इधर डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस 0 को जब हम राइट हैंड साइड पे माइग्रेट कराएंगे तो ये सिंपली a के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, हम लिखते हैं और इधर ओनली रह जाएगा 100। 100 इज इक्वल टू 0 इंटू a। ये क्या है, ये अननोन नंबर जो हमें निकालना है, इसके लिए हम एक्साइटेड हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। अब एक सिंपली सोच के देखिए, ए को हम गैस करते हैं, मान लीजिए हम रखते हैं ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 हमें मिलेगा 0, सो ए कैन नॉट बी 1। हम ए रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 0 हमें मिलेगा 0, हमें लाना है 100, हमें एक ही वो वैल्यू चाहिए जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिले 100। ए की वैल्यू हम रखते हैं मान लीजिए 10 मल्टीप्लाई 0 हमें मिलेगा 0, ए की वैल्यू कुछ भी रखिए 100 रखते हैं, 100 मल्टीप्लाई 0 हमें मिलेगा 0, ए की वैल्यू 1000 रखें 1000 मल्टीप्लाई 0 हमें मिलेगा 0, 100 हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही ए की कितनी भी लार्ज वैल्यू या ए की कितनी भी स्मॉल वैल्यू हम पुट करेंगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली रिजल्ट हमें मिलेगा 0। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, ए कैन बी एनी नंबर, हमें हमेशा रिजल्ट मिलेगा 0, और कभी भी ए मल्टीप्लाई बाई 0 हमें 100 नहीं मिलेगा। ए मल्टीप्लाई बाई 0 हमें कभी भी 100 नहीं मिल सकता है। अब एक सिंपल सा एजम्पशन है, हमें बचपन से बता दिया जाता है कि ए को अगर हमने इनफाइनाइट रखा तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमें 100 मिल जाएगा, या जो भी इक्वेशन हम लाना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। इनफाइनाइट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये मानते आए हैं कि कोई भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं x अपॉन 0 तो हमें इनफाइनाइट मिलता है, तो हम प्रूव करने के लिए भी बैठे हैं कि इनफाइनाइट नहीं मिलता है। अब इनफाइनाइट क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इनफाइनाइट इज ए पॉइंट बट इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इनफाइनाइट भी एक पॉइंट है, मीन्स इनफाइनाइट भी कोई एक नंबर है, इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन है क्या, एक नंबर है। अब किसी भी नंबर को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें मिलेगा 0 और कभी भी हमें 100 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, a की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिल जाए, या हम कहते हैं a की कोई भी ऐसी वैल्यू परिभाषित ही नहीं है जिसको 0 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिले, और इसी को हम कहते हैं अपरिभाषित, या इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। दिस इज द रिजल्ट, अनडिफाइंड एंड इट इज नॉट द रिजल्ट, इन्फिनिटी इज नॉट द रिजल्ट, सो इट इज अगेन प्रूव दैट अनडिफाइंड इज द रिजल्ट ऑफ x अपॉन 0 and infinity is not the result. Thank you.